नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे सीआरएम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। आज दिन इनको ना एक छोटा सा ऑर्डर मिला, जिस वजह से स्टॉक के अंदर हमको ना 2% का अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये ऑर्डर देने वाली कंपनी जो है वो चाइना की है और इनका नाम है ग्रीन लैंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये ना हांगकॉन्ग की चाइना की कंपनी है, जिन्होंने 125 टन ब्रास बायलेट का ऑर्डर दिया था, जिसका टोटल कॉस्ट मतलब टोटल ऑर्डर की जो वर्थ है ना वो 6.30 करोड़ का है, मतलब 6 करोड़ का, 6.5 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। और ये जो बता रहा हूँ 125 टन ब्रास बैलेट इनको ना चाइना में एक्सपोर्ट करना है, और ये भी इतना 30 दिन के अंदर करना है। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर नहीं था, छोटा सा, जिस वजह से यहाँ पे स्टॉक के अंदर फिर भी स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी टेक्निकल को लेकर बात करते हैं तो देखिए स्टॉक्स जो है ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी भागा हुआ है। 80 रुपये के इसने ब्रेकआउट किया, फिर कंटिन्यू यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और आज के दिन देख रहे हो ना, चाइना से ऑर्डर मिलने के बावजूद यहाँ पे एक बड़ा से ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब ये ना अब एक प्रॉफिट बुकिंग के में जाने के लिए तैयार हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग कंफर्मेशन आपको ना 160 के लेवल का ब्रेकआउट डाउन करने के बाद में मिलेगा। जैसे 167 पर ट्रेड कर रहा है ना, तो सपोर्ट लेवल 7 रुपये का है। अगर ये लेवल कल के दिन या परसों दिन ब्रेक कर देता है तो फिर डायरेक्ट आपको ना यहाँ पे 140 रुपये तक का गिरावट देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशन आपको बता दिया हूँ। चैनल पहली बार आता है, सब्सक्राइब जरूर करना। बस बिल्कुल रिकमेंडेशन ही चाहिए।